पॉइंट जेन में रखिए आई एम सेइंग ऑपरेशंस तो ऑपरेशंस का ताल्लुक आपके कस्टमर्स से कितना कैश रिसीव हुआ सप्लायर्स को कितना कैश पे किया और एम्प्लॉइज को आपने कितना कैश पे किया अलोंग विद अदर ऑपरेटिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस उनके लिए कितना कैश आपने पे किया ये चार चीजें आप ऑपरेशंस में लेकर आते हैं इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्या आप शो करते हैं इनकम टैक्स की पेमेंट आप शो करते हैं यानी कि इनकम टैक्स एक्सपेंस आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में नजर आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में नज़र आता है कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता है प्रॉफिट लॉस में आपको अदर इनकम के तौर पर नज़र आ रहा होता है तो ये वो एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं जो अदर देन ऑपरेशंस लिए जाते हैं टैक्स और इंटरेस्ट इन दो को आप जहन में रखिएगा ऑपरेशंस के कैश को अलग से कैलकुलेट करते हैं जिसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड यूज किए लेट्स सी के डायरेक्ट मेथड में हम क्या अप्रोच लेते हैं एज कि यू डायरेक्टली अप्रोच टू द कैश फ्लो आइटम्स कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स कैश पेड टू सप्लायर्स इसको आप अलग से वर्क करेंगे आपको ये फिगर प्रॉफिट लॉस में तो नहीं दी होंगी ना आपको तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेल्स की अमाउंट नजर आ रही है और सेल्स आपको मालूम है कैश सेल्स भी हैं क्रेडिट सेल्स भी हैं कैश सेल्स तो ठीक है हमने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से कैश लेकिन वो जो क्रेडिट सेल्स हैं उसमें तो हमने हंड्रेड परसेंट क्रेडिट कस्टमर से कैश रिसीव नहीं किया हुआ देन ऑब्वियसली यू विल प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट ऑफ ट्रेड डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स तो उसमें से जो डेटर्स से कैश रिसीव किया होगा वो प्लस हो जाएगा जो कैश कस्टमर से कैश रिसीव किया है यानी कि कैश सेल्स के अगेंस्ट जो कैश रिसीव हुआ है इन दोनों को आप क्लब करेंगे तो आपके पास आएगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इन द सेम वे कैश पेड टू सप्लायर्स जो आपने परचेजिस कर रखी हैं कैश पर वो तो कैश पेड टू सप्लायर डायरेक्टली है ही है लेकिन आपको फिर एक लेजर अकाउंट बनाना होगा क्रेडिटर्स का जिसमें आपको कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स मिलेगा वो अमाउंट एंड कैश परचेज की अमाउंट को क्लब करेंगे यू विल गेट कैश पेड टू सप्लायर्स ओके तो ये दो कैलकुलेशंस आपको करना होगी इसके बाद एम्प्लॉयज को जो आपने कैश पे किया कैश पे किया याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट सैलरीज एंड वेजेस की नजर आती है वो एक्रूअल बेस्ड अमाउंट्स होती हैं आपने उसमें एक्रूअल्स की एप्लीकेशन करके तो एक्सपेंस की अमाउंट बनाई हुई होती है बट हियर इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यू विल प्रेजेंट कैश बेस्ड इंफॉर्मेशन पे जो कैश पे किया इस साल में तो आप वो कैलकुलेट करेंगे कि इंप्लॉयज को कितना कैश पे किया वो कैश आप लिखेंगे कैश पे टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज हो सकता है एम्प्लॉय के बिहाफ हाफ पे आपको टैक्स पे कर रहे हो या किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को आप पे कर रहे होंगे इंप्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करके आप डायरेक्टली इंप्लॉय को पे नहीं कर रहे होंगे इसलिए टेक्निकली वी कैन नॉट कॉल इट एज कैश पेड टू एम्प्लॉय आप कैश पे टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज करेंगे और फिर जो बाकी के कुछ एक्सपेंसिस जो कि सप्लायर की मद में नहीं आते जैसे कि आपने ऑफिस रेंट पर ले रखा है उसका आप कैश पे करते हैं तो वो रेंट एक्सपेंस जो पे किया होगा वो आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की पेमेंट के अंदर शो कर देंगे तो ये चार आपकी बातें जो हैं वो जेन में आपको होना चाहिए कैश आपका जो डायरेक्ट मेथड के तहत जनरेट होता है फ्रॉम ऑपरेशन इस तरह से कैलकुलेट होता है ये हमने उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस कर ली कि जिसमें वही वाली आपको चारों इंफॉर्मेशन नजर आ रही है ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन ये आपके पास और उसमें जो कि कुछ फर्दर हमारी टैक्सेशन से रिलेटेड या इंटरेस्ट से रिलेटेड पेमेंट्स हैं वो शो करके तो अब टोटल हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट हो वेल इनडायरेक्ट मेथड में देख लीजिए कि आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसमें डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं कर सकते कैश इन फ्लोज और आउटफ्लोस को हम क्या करते हैं हम प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले जो हमें अमूमन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे, देखें तो मौजूद होगी जो प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन होती है उसको एडजस्ट करते हैं with the changes during the period in inventory, trade receivable, trade payable, operating say related accruals and prepayments को हम इसमें adjust करते हैं और non cash items जो depreciation या impairment या provisions या deferred tax related होती हैं उन non cash items को हम इसमें जब adjust करते हैं तो हम net cash flow from operating activity तक पहुंच जाते हैं ये इनडायरेक्ट मेथड है इसकी एग्जांपल आप क्यों देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आई हमने डिप्रीसीशन एडबैक की जो फाइनेंशियल चार्जेस हमने एक्रूअल बेस्ड रखे हुए थे उनको एडबैक किया याद रखिएगा कि ये एक्रूअल बेस्ड आपके फाइनेंशियल चार्जेज एडबैक हो रहे हैं क्योंकि हमने अल्टीमेटली कैश बेस्ड

इसकी कैश फ्लोज आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करने नॉन करंट एसेट आपका बिका कैश फ्लो जो भी आएगा उधर जाएगा और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट है तो उसको बैक करेंगे ऑब्वियसली ये एक्सपेंस के तौर पे माइनस हुआ इसको अब आप बैक करेंगे इस प्रॉफिट में क्योंकि इसके अगेंस्ट कैश आउटफ्लो कोई नहीं है अब इंक्रीज in और डिक्रीज इन इन्वेंट्री ट्रेड रिसबल और ट्रेड पेएबल और अगर कोई एक्रूवल्स होते तो उसने भी इधर एडजस्ट हो जाना था वो हम शो करने के बाद जो इनकम टैक्स के लिए कैश पे किया वो और जो फाइनेंशियल चार्जेस के लिए कैश पे किया उसको हम वर्क आउट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं तो यूं हमने देखा कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दिस इज़ ऑल अबाउट द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज that affect the statement of profit or loss.